टिकैत हुए गायब, राहुल गांधी की भी बोलती हुई बंद, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन अब अलग ही दिशा में दिख रहा है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान आंदोलन में भाग लेने आई बंगाल की एक युवती के साथ आंदोलनकारियों ने बलात्कार किया है। ऐसे में विपक्ष दल ने अब चुप्पी साध ली है। किसान आंदोलन का साथ देने वाले राहुल गांधी अब मौन हो गए हैं। इधर ना तो प्रियंका गांधी ने युवती के लिए मांग की और ना ही राहुल गांधी ने कोई आवाज उठाई, तो वहीं किसान किसान चिल्लाने वाले राकेश टिकैत भी कहीं नजर नहीं आ रहे। ऐसे में देश की महिला रेसलर बबीता फोगाट ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, जो लोग ऐसे कृत्य में शामिल हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो किसान आंदोलन के नाम पर महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले हरियाणा की सीमा में धरना दे रहे किसानों के स्थल से एक युवती के साथ दुष्कर्म और मृत्यु का मामला सामने आया था। इस मामले में धरना स्थल पर बैठे कुछ किसानों के नाम भी सामने आए थे। उसके बाद मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने जांच शुरू की, FIR हुई, कुछ किसान नामजद किए गए। किसान आंदोलन से जुड़ा होने की वजह से मामले ने तूल पकड़ लिया। इसको लेकर सोमवार को धरना स्थल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। इसमें लड़की के पिता को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल किया गया था। बता दें, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की रहने वाली इस लड़की के पिता ने अपनी बेटी के साथ हुए तमाम अत्याचारों के सबूत पुलिस को पहले ही सौंप दिए हैं। हरियाणा सरकार भी इस युवती को न्याय दिलाने के लिए अब संजीदा है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस अधिकारियों से जहां पूरे मामले की रिपोर्ट हासिल की, तो वहीं राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने भी आंदोलन की आड़ में ऐसे कृत्यों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा बयान दिया है। दूसरी ओर हरियाणा महिला आयोग ने SP से इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस महानिदेशक मनोज यादव और झज्जर के SP को निर्देश दिए हैं कि मामले की तह में जाकर वास्तविक दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा न जाए। इससे पहले लड़की के पिता ने पुलिस को कई सबूत सौंपे हैं, जिनके आधार पर पुलिस को वास्तविक अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। वहीं सूत्रों के अनुसार खबर मिली है कि स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव को मामले की जानकारी पहले से ही थी। अब उनके खिलाफ भी जांच की मांग हो रही है। इस मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है, टिकरी बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल की जिस युवती के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है, उस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। एक एक आदमी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। आंदोलन की आड़ में ऐसे जघन्य कृत्यों को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिलहाल इस मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है, पुलिस तहकीकात में जुटी है, जल्द ही खुलासा हो जाएगा।